हेलो फ्रेंड्स, शाइन किचन सन वीलॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आपके साथ एक मस्त बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, वो है सिंधी साई भाजी। तो शारण के अबू उल्लास लंगर से बिलोंग करते हैं, वो वहीं रहते थे पहले, और मैंने ये ना उनकी मम्मी से यानी कि अम्मी से सीखी है मैंने ये डिश। तो पर्सनली उन्हें बहुत पसंद है और मुझे आता नहीं था, हमने कभी पहले बनाया भी नहीं था। तो जब मेरी शादी हुई थी तब मैं अक्सर देखती थी कि हमारे घर में ना ये डिश अक्सर बनती थी, तो शारण के अबू बहुत शौक से खाते थे। तो आज मैंने वही उनके लिए बनाई हूँ। मतलब ये वीडियो अगर अम्मी देख रहे होंगे तो वो बता सकते हैं कि मैंने उनकी तरह बनाई हूँ या नहीं। तो मतलब आप मेरी वो रेसिपी देख कर आइए, फिर आपसे आगे हम बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ले लिया है मैंने एक पालक का जुड़ा और आधी गड्डी मैंने ली है अम्बटचुका, थोड़ी सी कोतमीर और सेपू की भाजी ली है मैंने थोड़ी, और ये सब है ना अलग 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 लेकर आई हूँ मैं मार्केट से। और साथ ही में रख दिया है कुकर, ये सब हमको कुकर में पकाना होता है तो इसमें ले लेना है तेल, आप मतलब ऑयल आपके हिसाब से लीजिए। और यहाँ पर एक प्याज स्लाइसली कट करके डाल देनी है, और साथ ही में ले लेना है हमको थोड़ा सा ज़ीरा तड़के के लिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पालक के साथ मिलकर। और यहाँ पर मैंने ली है 7 से 8 हरी मिर्चें, अगर आप कम तीखा खाना चाहते हैं तो आप एज़ पर क्वांटिटी आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही में यहाँ पर मैंने ना 10 से 12 लहसुन की कलियों को ऐसे कुचल के ले लिया था ओखली में, और एक टमाटर को चॉप करके रखा था वो भी अब मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर आई बारी मसाले की, मिर्ची मसाला मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून, और यहाँ पर धनिया पाउडर भी लिया है सेम क्वांटिटी 1/2 टेबल स्पून। इन सबको अच्छे से भून लेना है। और एक तरफ मैंने सोख करके रखी थी तुअर की दाल लगभग 25 से 30 ग्राम, यानी कि 1/2 कटोरी मैंने भिगो कर रखी थी। अब इसमें को डाल देना है हमने हमारे कुकर में, और यहाँ पर हो गया इसको मतलब मस्त से भून लेना है हमने अच्छे से। और आप आपके हिसाब से इसमें एज़ पर टेस्ट इसमें नमक डाल सकते हैं। और मैं आपको बता रही थी कि मैं सारी सब्जियां लेकर आई थी मार्केट से, तो इसको अच्छे से वॉश करके कट करके रख दिया था। तो यह उल्लासनगर में ना साई भाजी का एक गुच्छा ही मिल जाता है कि उसमें सब तीनों भाजियां ना साथ में अवेलेबल होती है, तो वो टेंशन नहीं होता, यहाँ पुणे में नहीं मिलता। तो मैंने सब सेपरेट लाकर इसको बनाया है। तो इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसमें अब लगा दीजिए सीटी अराउंड, मेरे कुकर में 5 सीटी लग गई थी, तो आप आपके कुकर के हिसाब से इसमें सीटियाँ ले लीजिए। और इस तरह से देखिए जितना आपको पतला गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से इसको बना लीजिए। देखिए बन गई हमारी साई भाजी तैयार है, अब मैं इनको सर्व कर रही हूँ, और बहुत टेस्टी बनी थी, आप भी जरूर ट्राई करना। और हमारे घर पर आया है शायान, तो देखिए शायान क्या कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ अभी मेरे फूफी के घर पे। शायान अभी आएगा 3:30 o'clock पे, फिर हम दोनों मिलकर बहुत मस्ती करने वाले हैं। शायान आया है हमारे घर पे। ओहो, शायान गया हमारा शारान को लेने। किधर है शारान? ये देखो भाई, भाई का प्यार है शायान भाई, इतना अच्छा बच्चा है, इसका बैग भी उठा के लाया भाई को, ऐसा करते शारान भाई ने बैग भी उठा के लाया, इन्हें बाहर निकल रहा था तो भाई अंकल ने देर से तो मैं ले लिया। अच्छा अच्छा, देखो थैंक यू तो बोल भाई को। हाँ शारान, बच्चे ने देखो ना मेरे बैग और वो बॉस का वो भी लेके आया, भाई को थैंक यू बोल रहा अभी। थैंक यू शायान, बहुत अच्छा बच्चा है हमारा ये शायान। मैं इसको लेने गया था, नीचे वैन आती है ना अम्मा, देखो शूज भी निकाल रहा है। अल्लाह शायान इतना प्यारा बच्चा है तू, वाह वाह वाह, देखो ना मेरे उसके शूज भी निकाल रहा, नॉन भी निकाल रहा। हाँ उसको भी बहुत प्यार है भाई से, इंतजार करते रहता वो मेरा भाई कब आएगा है ना शायान। सही बात। तो फ्रेंड्स, अभी शाहरान जा रहा है स्केटिंग क्लास, उसके साथ जा रहा है शायान, तो बाय कर दो। हाँ शाहरान तुम भी हाँ अच्छे से करना, हाँ बाय। और ये इनको जा रहे छोड़ के, अल्लाह हाफिज, बाय बाय जोहान। हाँ हाँ, अभी शारान और शायान आ चुके हैं स्केटिंग क्लास से, और साथ ही में लेके आए थे मस्त सा स्नैक्स, साथ में समोसा और पैटीज, और अभी हम मिलके खाएंगे समोसा और पैटीज। और यहाँ पे जोहान भी अभी उठ गया है तो बहुत उसको रोना आ रहा है, तो चलो स्टार्ट करो। और कैसा रहा शारान तुम्हारा स्केटिंग डे? अच्छा, अच्छे से किए स्केटिंग? शायन भाई आपको तंग नहीं किया ना इसने? अच्छा चलो वेरी गुड। तो अभी हम लोग हमारा नाश्ता करते हैं, फिर हम रात में क्या बनाएंगे फिर डिसाइड करते हैं। परफेक्ट।
मत रो बेटा, मत रो मेरा बच्चा, मत रो मम्मा। ये अभी नींद से उठने के बाद ऐसे ही रोता है ये बच्चा। नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। क्या खाओगे आप? चमोचा खाओगे? चलो फाइनली यहाँ पे जोहान का मूड थोड़ा सेटल हो गया है तो वो खेलने लग गया है और शारान देख रहा है टीवी। बाय बाय जोहान। यहाँ पे जोहान अभी थोड़ा हंस रहा है, नहीं तो बहुत अपसेट हुआ था। जैसे उठता है ना बहुत बुरा मुंह करके रोता है ये बच्चा, है ना, बहुत रोता है ये बच्चा ही। तो हमारे शारण भाई आज बहुत होमवर्क है, अभी कब करेंगे आप? अच्छा आवाज कम कर दो टीवी का। हाँ तो फ्रेंड्स बच्चों ने भी स्नैक्स वगैरह खा लिया, अब मैं बनाऊंगी डिनर में चिकन 65। मेरी चिकन 65 की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है और यहाँ पे हम लोग मस्त से इंजॉय करेंगे। दाल चावल बना लूँगी साथ में और चिकन 65 भी बना दूँगी। तो ऐसे ही हमारा रूटीन चलता रहेगा, तो आप भी हमारा ब्लॉग पूरा देखना। साथ ही में बन गया है अभी डिनर। डिनर में मैंने बनाया है चिकन 65 और यहाँ पे देखिए मैंने बनाए हैं चावल और देखिए मस्त सी ये मूंग की फिक्की दाल है, ये भी मैंने बनाई है। तो साथ में इस पापड़ फ्राई भी कर दिए और ये है साई भाजी। तो ये सब मील अभी हम लोग खाएंगे और मस्त से इंजॉय करेंगे। दाल अच्छी है और चिकन 65 अच्छा लग रहा। तो फ्रेंड्स अभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठे हैं। फिर कैसे लगा शारान तुमको? अच्छा लगा। और शारान तुमको भी? जस्ट बढ़िया। अच्छा ठीक है, तो चलो अभी हम लोग ये ब्लॉग एंड करते ना। नहीं नहीं क्या और थोड़ा क्या लेंगे आप? और थोड़ा व्लॉग बना। अच्छा बहुत हो चुका अभी, चलो तो फ्रेंड्स ऐसा रहा आज का दिन। बच्चे अभी खाना खा रहे हैं तो अभी हम लोग भी खाना खाएंगे, फिर ये दिन भी खत्म और इस तरह से ऐसे चला गया आज का दिन। तो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सिंधी साई भाजी जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है अच्छी लगी हो तो वो भी जरूर ट्राई करना। और ये व्लॉग को अभी हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।